हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी कि इतना ज्यादा गैप हो जाता है हर बार। सॉरी गाइस, अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एनीवेज, आज की इस वीडियो में मैं आपको किंग की 4 ग्रैप कॉम्बो या फिर किंग की 4 पटकी कैसे लगाते हैं वो बताऊंगा कीबोर्ड पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टेकन गेम के अंदर किंग अपनी ग्रैब्स या फिर पटकियों के लिए जाना जाता है, तो ये पूरी सीरीज़ किंग की पटकियों के ऊपर होगी। तो अगर आप भी इनको सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ आगे बने रहना गाइस। पिछली वीडियो में मैंने आपको कीबोर्ड की बेस्ट सेटिंग बताई थी टेकन गेम के लिए, तो अगर आपको भी अपना सेटअप उस तरीके से करना है तो आप मेरी वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप इस आई बटन को भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने टेकन 3 डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं करा है तो उसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आपको उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किंग की 4 ग्रैप कॉम्बो या फिर किंग की 4 पटकी होती कैसे है। गाइस, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा ये ग्रैब्स पकड़ने के लिए। एक तो बिल्कुल ही टेक्निकल तरीका है और दूसरा एकदम आसान है, जो मैंने बचपन में सीखा था और आज भी मेरे को याद है। तो ये ग्रैब पकड़ने के लिए आपको जो कीज़ प्रेस करनी है उसकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर ये रही। गाइस, ये तो आपके सर के ऊपर से चला गया होगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सो ये आ गया है मेरा कीबोर्ड। एंड गाइस, ये जो बटन्स है एरो कीज, ये मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिए ताकि वीडियो शूट करने में आसानी रहे। ऑलराइट गाइस, चलते हैं प्रैक्टिस मोड की तरफ और सेलेक्ट कर लेते हैं किंग और ऑपोजिट में जिन। एक बार बटन टेस्ट कर लेते हैं। लेफ्ट पंच, लेफ्ट किक, राइट किक, और जो R1 है नीचे के दोनों बटन प्रेस करेगा, R2 है ऊपर के दोनों प्रेस करेगा, और L1 से लेफ्ट के दोनों, L2 से राइट के दोनों। ओके, सो गाइस, किंग की जो 4 ग्रैप कॉम्बो है या फिर किंग की 4 पटकी, वो उसको लेने के लिए 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड तो फुल टेक्निकल है और दूसरा इजी मेथड है, तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। तो चलते हैं फर्स्ट मेथड की तरफ। चलिए गाइस। सो गाइस, किंग की 4 पटकी हैं तो उसके लिए 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप जो है उसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो आपको साइड स्टेप करके इस तरीके से पकड़ना है। साइड स्टेप इस तरीके से होता है गाइस, आपको फ्लिक करके ऊपर या नीचे इस तरीके से प्रेस करना है, या तो डाउन या तो अप। अगर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो इस तरह से क्राउच करेगा ये, और अगर आप आपको होल्ड प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो जंप करने लग जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो पहला तरीका है आप ये वाला बटन प्रेस करके रखिए और फिर इस तरीके से फ्लिक करके ये, तो पहला स्टेप इस तरीके से है। और दूसरा तरीका है कि आपको ऊपर के दोनों बटन्स, मतलब पंचेस के दोनों, और ये डाउन और फॉरवर्ड, मतलब आपको तिरछा आगे को इस तरीके से, तिरछा आगे को और ऊपर के दोनों, ये तीनों बटन एक साथ प्रेस करने हैं इस तरीके से, तो ग्रैब स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो हमने क्या सीखा कि पहला जो मेथड है आप ये वाला बटन प्रेस करिए और साइड स्टेप करके ये बटन प्रेस कर दीजिए इस तरीके से, और दूसरा जो तरीका है वो है डाउन फॉरवर्ड और ऊपर के दोनों बटन्स। ऑलराइट गाइस,
उसके बाद स्टेप टू जो है उसके लिए जो आपको बटन प्रेस करना है वो होगा 112। ओके, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपको ये प्रेस करना है सेकंड स्टेप में। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, तो ये सेकंड पटकी कंटिन्यू हो जाएगी। अब थर्ड पटकी के लिए थर्ड स्टेप जो है वो है 1 2 और ये। ऑलराइट गाइस, मतलब 1 2 और नीचे के दोनों बटन्स। तो एक बार तीनों पटकी हम एक साथ मार के देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है गाइस, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो बहुत ही सिंपल है। आपको इस तरीके से एक सर्कल बनाना है, मतलब आपको सी बनाना है इस तरीके से। ये लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप। तो एक बार हम चारों स्टेप एक साथ कर लेते हैं, ये फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये फोर ग्रैब कॉम्बो कंप्लीट। और जिस स्पीड से आपको बटन प्रेस करने हैं वो भी एक बार आप देख लीजिए। आप बहुत ही स्लो नहीं प्रेस कर सकते, इस तरीके से नहीं कर सकते आप, या इस तरीके से, या बहुत ही फास्ट भी, बहुत बहुत फास्ट भी नहीं करना, मीडियम स्पीड रखना है। सो मैं आपको एक्चुअल बटन प्रेस करने की स्पीड बता देता हूँ, ना आपको ज़्यादा फास्ट प्रेस करना है ना आपको स्लो। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। आई होप आपको समझ आ गया होगा गाइस। ऑल राइट गाइस, सो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड मेथड की तरफ, जो कि बहुत ही ईजी मेथड है। ये मेथड मैंने बचपन में सीखा था और ये मुझे आज तक याद है। सो फर्स्ट स्टेप जो है, जो ग्रैब स्टार्ट करने का, सेम वही दो तरीके हैं। या तो आप ऐसे साइड स्टेप करके पकड़ सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से तिरछा आगे को और ऊपर के दोनों बटन्स, तिरछा डाउन डाउन फॉरवर्ड डाउन फॉरवर्ड और ऊपर के दोनों। ऑलराइट, ये उसके बाद सेकंड स्टेप ये करना है आपको। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है, जैसे आप फर्स्ट स्टेप कर लेंगे, मतलब ग्रैब पकड़ लेंगे, तुरंत आपको ये प्रेस करना है, फर्स्ट सेकंड इस तरीके से। ठीक है गाइस, उसके बाद एक बार हम करके देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड। ओके, अब जो थर्ड स्टेप होगा उसमें आपको तीसरा बटन प्रेस करके रखना है, और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीन बार प्रेस करना है आपको, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, एक बार हम तीनों स्टेप एक साथ करके देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड 1 2 3। तो ये तीनों पटकी ग्रैब कर ले। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, वो है नॉर्मल। आप इस तरीके से कर सकते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, बस आपको राउंड घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज लास्ट में, फोर्थ मेथड में। तो एक बार हम एक साथ चारों स्टेप को करके देख लेते हैं गाइस। सो गाइस, इस बार मैं साइड स्टेप करके ग्रैब स्टार्ट करूँगा। सो मैंने ये बटन प्रेस करके रखा, और साइड स्टेप फर्स्ट सेकेंड 1 2 3 और लास्ट में ये। ये वाला जो मेथड है गाइस, ये कभी मिस नहीं होगा अगर आप अच्छे से कीज प्रेस करेंगे। एक बार और देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आई होप आपको ये वाला मेथड अच्छा लगा होगा गाइस। सो गाइज, ये दो मेथड्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे या आसान लगे, आप वो यूज़ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए गाइज। आपको 2-3 बार में ही ये ग्रैब मारना आ जाएगा। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 ग्रैब कॉम्बो या किंग की 5 पटकी सिखाऊंगा। वो कुछ इस तरीके से होती है। ये है 5 ग्रैब कॉम्बो। ऑलराइट गाइस,
वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।